चंद्र हो जिसके शिखर पर वो भगवान चंद्रशेखर भी इन्हें कहा जाता है, और उनके गण की सफलतम लैंडिंग होगी। आप इससे निर्विघ्न रहिए। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमारा चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर इसरो द्वारा इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। सिर्फ एक दिन ही बाकी है। ऐसे में इसकी सफलता को लेकर पूरे देश में प्रार्थना की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर विशेष पूजा की जा रही है। भोपाल में रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। भोपाल में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की प्रार्थना की गई है। मिशन की सफलता के लिए भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। चंद्रयान की सफलता के लिए भोपाल में 11 बटक ब्राह्मणों द्वारा दही दूध और शहद के साथ पूजन और पूरे विधि विधान के साथ शिव अभिषेक किया जा रहा है। दरअसल पंडितों के मुताबिक चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजित हैं, इसलिए चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की जा रही है। इसके अलावा खरगोन में भी प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग कल शाम 6 बजे के आसपास होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। माना जा रहा है कि लैंडिंग से पहले के 15 मिनट काफी अहम होंगे। आपको बता दें कि 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग से ठीक पहले तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी और विक्रम लैंडर सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। इसी वजह से लोग चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष कामना कर रहे हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए संस्कृति बचाओ मंच यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहा है। भगवान शिव के एक गणों में चंद्रमा भी है। भगवान शिव के शिखर पर जो है वो चंद्रमा विराजमान है। चंद्र हो जिसके शिखर पर, वो भगवान चंद्रशेखर भी इन्हें कहा जाता है। और इस वक्त 3 महीने तो भगवान शिव के पास सारी संपदा है। सृष्टि की पूरी बागडोर भगवान शिव के पास है, क्योंकि विष्णु लोक में, भगवान पाताल लोक में विष्णु जो है विश्राम के लिए गए हैं, और उनके गण की सफलतम लैंडिंग होगी। आप इससे निर्विघ्न रहिए। संस्कृति बचाओ मंच यहाँ पर विशेष अनुष्ठान कर रहा है, विशेष रुद्राभिषेक कर रहा है भगवान शिव का, और सफलतम इसकी लैंडिंग होगी। आप इससे निश्चिंत रहिए।